बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कुछ किरदारों को बहरे किरदार कहा है। ये बहरे दर हकीकत वो नहीं हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं, बल्कि इससे मुराद वो बहरे हैं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम को सुनने के बावजूद उस पर अमल नहीं करते। इस हवाले से कुछ हवालाजात आपके साथ शेयर करते हैं। सूरह अनफाल, जो कि कुरान मजीद की 8वीं सूरत है, उसकी आयत नंबर 21 और 22 में इरशाद हो रहा है, और इन लोगों की मानद ना हो जाना जो कहते हैं कि हमने सुन लिया और हकीकत में वो सुनते नहीं हैं। इस आयत मुबारक में ये बताया जा रहा है कि वो लोग जो ये कहते हैं कि हमने कुरान मजीद के अहकाम सुन लिए, लेकिन दर हकीकत वो नहीं सुनते, क्योंकि उलमाए किराम ने तफासीर में लिखा है कि सुनने के बाद अगर अताअत ना की जाए यानी अमल ना किया जाए तो वो सुनी अनसुनी बात होती है। कुरान ने ऐसे ही लोगों को बहरा कहा है। ऐसे किरदारों के हवाले से सूरह अनफाल ही की आयत नंबर 22 में इरशाद हो रहा है, यकीनन तमाम चौपाओं में से अल्लाह के नज़दीक बदतरीन वो बहरे हैं जो अकल से काम नहीं लेते। इस आयत मुबारका में वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल नहीं करते को जानवरों से तशबीह दी गई है। सूरह आराफ, जो कि कुरान मजीद की 7वीं सूरत है, उसकी आयत नंबर 179 में इरशाद हो रहा है कि और बेशक हमने जहन्नम के लिए बहुत से जिन और इंसान पैदा किए, वो दिल तो रखते हैं लेकिन समझते नहीं हैं, वो आंखें तो रखते हैं लेकिन देखते नहीं हैं, और वो कान तो रखते हैं लेकिन सुनते नहीं हैं। तो कोशिश कीजिए कि अल्लाह ताला के अहकाम पर उसकी रूह के मुताबिक अमल करें। इसी में हमारी आफियत है, इसी में हमारी दुनिया और आखिरत कामयाब होगी। अस्सलामुअलैकुम।